Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और जो नए सब्सक्राइबर हैं, I welcome you all to Diva Mantra family. और स्पीड पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता किया है, तो ये वाला पोस्ट है जो पार्ट है स्पीड पोस्ट में जाएगा. और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपने इंट्रो के बाद. तो चलिए इंट्रो को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ अपने सरप्राइज के साथ. हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग. इसके बाल और इसके कान और मेरे बाल एक जैसे हैं, देखिए है ना, मैचिंग मैचिंग एकदम. इसका नाम है पोगो और ये बहुत छोटा है अभी, नन्नू मुन्नू सा है. देखो इतना सा है मेरा पोगो, इतना जमेला पोगो. और पोगो को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे गोद में ले. अभी दो मिनट में इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए सुनिए. हेलो बोलो, हेलो. नहीं, हमको गोदी में मतलब वो नीचे उतार दो, तो मैं इसको छोड़कर आती हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ. आज के वीडियो की बात करते हैं. आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे लखनऊ के यूट्यूबर्स जो दो हैं उनको डेडिकेटेड है. सो पहली जो हमारी लखनऊ की यूट्यूबर हैं, जिनका बार बार हर बार ये क्लेम होता है कि मैं बहुत रियल हूँ, मेरे वीडियोज मेरे व्लॉग्स स्क्रिप्टेड नहीं होते, ये बोल के वो अपने फेलो यूट्यूबर्स को बहुत अच्छे से टारगेट करती हैं. वो बोलती है कि बाकी सबके तो स्क्रिप्टेड है भैया, आप लोग खुद सुनिए इन्होंने ये वाली बात कही है. तो मैं आप लोग को पहले सुनाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी, उसके बाद इनकी प्लानिंग भी दिखाऊंगी मैं आप लोग को. तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है. स्क्रिप्टेड नहीं होता व्लॉगिंग, कभी भी स्क्रिप्टेड होना भी नहीं चाहिए. मैं आजकल देखती हूँ व्लॉगिंग में इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड हो गया है, पता रहता है कहाँ पे क्या बोल रहा है, बट वो स्क्रिप्टेड नहीं होता. इन्होंने बोला कि नहीं भाई देखो, ऐसा है कि ब्लॉग्स तो स्क्रिप्टेड होते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होते तो हमें अगर आ रहा होता तो हमारा चैनल अभी तक पता नहीं कहाँ चला गया होता. तो मैं इनसे बोलना चाहती हूँ, आपको सब आता है, आपको स्क्रिप्ट बनानी आती है, आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से ब्लॉग्स बनाने आते हैं. आपका प्रैंक से याद आया गाइस, प्रैंक तो मैं मानती हूँ कि स्क्रिप्टेड होते हैं, राइट. लेकिन जिनके साथ प्रैंक हो रहा होता है, क्या उनको भी स्क्रिप्ट दी जाती है? उस टाइप के स्क्रिप्टेड प्रैंक आपने नहीं देखे होंगे. तो उस चीज का मैं सबूत देती हूँ कि ये वाली जो दीदू है ना, इनके प्रैंक भी स्क्रिप्टेड होते हैं. ये अपने मोटू के मुंह में वर्ड्स डालती हैं कि तुमको ये बोलना है. तो ये अपने मोटू को बोल रही है, अब तुम कहना मैंने सब जगह चेन घूर ली. ओह माय गॉड. ये था इनका रियल वाला प्रैंक, ये था इनका रियल वाला वीडियो. तो इसी तरह से इनके व्लॉग भी सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, कुछ भी रियलिटी नहीं लगती मुझे. तो अगर है तो बताएं, प्लीज आके बताएं. आजकल मोटू हमारे मोटू, हाँ मोटू मोटी जो भी हैं, ये जा रही हैं जिम. तो जिम जा रहे हैं बड़े जोर शोर से, जिम का भी यू नो थोड़ा बहुत प्रमोशन हो रहा है, थोड़ा बहुत जिम का दिखाया जा रहा है कि देखो ये हम जा रहे हैं जिम. और उसके बाद घर आके हम खा रहे हैं लेज की चिप्स, और क्योंकि हम थक गए हैं, हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए हम 56 बॉक्स से खाना बना के यार मोटू एक बात बताओ मोटू, ऐसे कैसे चलेगा? इससे वेट कम नहीं होएगा, वेट बढ़ जाएगा. पता है क्यों? जब आप जिम जाओगे और आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एक्सर्शन करवाओगे, मतलब ज्यादा मेहनत करवाओगे, फैट जलाओगे, उसके बाद उसको आराम से खाने को दोगे, तो वो बोलेगी अरे वाह आ गया खाना, आने दो, और वो सारा फैट जो है आपके उसमें जम जाएगा, क्योंकि बॉडी को लगेगा बचा के रखो, आजकल ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वेट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा. मत जाओ मोटू, ऐसे जिम मत जाओ. अपने सब्सक्राइबर को उल्लू ना बनाए और जिम जाना बंद कर दें, क्योंकि आपके जिम जाने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप 56 थोक खा रहे हो, आप लेस खा रहे हो. पापा देखो भाई, ऐसा मत बोलना कि हमें तकलीफ है ये सब तुम खा रहे हो, तुम खाओ खाओ, लेकिन जिम मत जाओ क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा. इसके अलावा सुनिए, लोग मुझे कहते हैं कि मैं लोगों की इंग्लिश का मजाक उड़ाती हूँ. अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो हमारे मोटू हैं बड़े अरमानों से घर बनवा रही हैं, है ना, घर बनवा रही हैं, और अब उसमें ये लगाने जा रही हैं फॉल्स सीलिंग नहीं होता है मोटू, फॉल्स सीलिंग होता है, मतलब जो छत होती है ना उसके ऊपर पीओपी से अलग 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 डिजाइन बनाते हैं,
उसको कहते हैं फॉल्स सीलिंग। अब फॉल सीलिंग तो मतलब बना है और गिर गई अपने ऊपर, तो वो फॉल मतलब तो गिरना होता है ना भाई, आप फॉल सीलिंग क्यों लगवा रहे हो, सीलिंग वो भी फॉल करने वाली। ओ माय गॉड, बाकी दिखाई बाल जबरदस्त, सही है, अच्छा डिजाइन है, लगे रहो लगे रहो। और एक छोटी सी बात एक और बता दी थी आप लोगों को कि मैंने भी स्पीड पोस्ट करना सीख लिया है, मैं भी थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें स्पीड पोस्ट लगाते रहूँगी ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो लेंथी ना हो जाए तो मज़ा आएगा ना। तो लोग कहते हैं कि मैं किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, भैया सुनो सुनो मेरे भाइयों बहनों सुनो, हम जो भी करते हैं उससे इन लोगों के अंदर सुधार आता है एंड दैट इज़ इट। आप लोगों ने इतने साल में इन लोगों के अंदर कौन सा सुधार लाया, क्या आप लोगों ने जूजू के मुंह से कहलवाया कि सॉरी मुझसे गलती हो जाती है, मेरे मुंह से चमड़े की जबान फिसल जाती है, चमड़े की जबान फिसल जाती है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसा कभी आया था मौका पहले नहीं आया था ना, तो नेगेटिव कौन हुआ हम कि आप लोग कुछ सुधार तो कर नहीं पा रहे इन लोगों के अंदर है, चले बड़े बात करें। हाँ ये टच के लिए था, आप लोग के लिए नहीं था। सो इसके बाद कोई आया था मुंबई, बट मुंबई में लॉकडाउन लग गया तो लोग घूम नहीं पाए, कोई बात नहीं फिर से आ जाना, क्या है सस्ता शहर है, मौज कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हम किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कि जब आप एक वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आप एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। सैनिटरी नैपकिन्स ऑब्जर्व करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है आई एम प्रिटी श्योर ये जो है इन्होंने हमारी जो ये वाली यूट्यूबर है इन्होंने ये टेक्नोलॉजी चाइना के साथ मिल करके इन्वेंट की है खुद। ऑब्जर्व करने वाले सैनिटरी नैपकिन, मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सीरियसली सुन के कि सैनिटरी नैपकिन क्या ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, क्या देखता है सैनिटरी नैपकिन, ऑब्जर्व करता है इनके हिसाब से। तो ऑब्जर्व इज द रॉन्ग वर्ड, इट इज एब्जॉर्ब मतलब सोक करना, एब्जॉर्ब कितना मुश्किल है ना, एब्जॉर्ब ऑब्जर्व, लेकिन सीखेंगे नहीं। बहुत आत्मा हमारी कहाँ गई हम आपको बताएं, आप लोग ध्यान रखिएगा सैनिटरी नैपकिन खरीदने से पहले देख लीजिएगा कहीं कैमरा कहीं माइक्रोचिप तो नहीं लगी, क्योंकि ये तो दीदी बताती हैं कि ऑब्जर्व करता है। अब आगे ऐसे 31 मार्च के बाद ऐसी बकैती करने वाले जितने भी यूट्यूबर होंगे जो इस टाइप का पीआर करेंगे उनको अगर कोई सू कर देता है, मतलब कि इन्होंने बताया था ये प्रोडक्ट हमने खरीदा हमें बहुत नुकसान हो गया, हम इनका सू करते हैं, है ना। डिटेल में नहीं जा रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, 10 लाख रुपए का फाइन है। उसने फिर से किया कांड, सेकेंड टाइम किसी ने सू किया, 50 लाख रुपए का फाइन। ये अपडेट है और झूठ नहीं है, ये सच है। एक और शर्त ASCI की आई है, वैसे ये शर्त पहले से थी, इन लोग को पता नहीं था, और ये मैंने अपने किसी वीडियो में बोला भी था कि इनके रिव्यू नकली होते हैं, ये लोग सिर्फ प्रमोशन करते हैं। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे हैं तो ये सारी चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ कि जब कोई बोलता है कि मैंने ये यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है, ये देखो इससे मेरा स्किन कितना अच्छा हो गया है, और जब आप लगाते हैं और आपका स्किन खराब हो जाता है, वो एक गलत प्रमोशन होता है। और हाँ, पीआर करने के पहले आपको वो प्रोडक्ट कम से कम 1 महीना यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नई बॉटल खोल के दिखा रहे हैं कि ये देखो ये हम लगा रहे हैं और हमारा स्किन चमक रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, आपके अगेंस्ट शिकायत हो सकती है। ये सारे ही रूल आने वाले हैं, फिर क्या होगा इन जूजू पुपू लोगों का, कभी सोचा है, नहीं सोचा तो सोचिए बैठ करके। ऐसे वाले जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ना जो गलत सलत पीआर करते हैं, इनके लिए रूल्स बन गए हैं। ये रूल्स क्यों बने हैं वो भी आपको मैं बहुत शॉर्टकट में बता देती हूँ। वो रूल्स इसलिए बने हैं क्योंकि कंपनीज इनके साथ मिल करके बहुत सारे कस्टमर्स को उल्लू बना रही थी, जितने अच्छे प्रोडक्ट होते नहीं है उतने अच्छे इनसे पैसे दे के कहलवाया जाता है, और ये लोग मेंशन नहीं करते हैं कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है। एंड दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उसको भी लगाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा यू आर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट। यूट्यूबर्स को भी लगाना पड़ेगा, सभी को लगाना पड़ेगा, इवन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को बोले तो सेलिब्रिटीज को भी लगाना पड़ेगा,
इवन अमिताभ बच्चन को भी लगाना पड़ेगा, तो कोई बचेगा नहीं अब इससे। तो दीदू अपनी कमर कस लो, कमर की पेटी बांध लो, तुम लोगों को राइट पे लेके जाने वाला है बहुत जल्दी। और सब्सक्राइबर्स को तो हम अवेयर करते रहेंगे कि कहीं आप गलत पी आर देखें तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमें तो ये सारी चीज़ें पता है और हम बताते रहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को कि क्या करना है। तो आप लोग अब सुधर जाइए। और अभी अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं ये चीज़ दैट यू आर वॉचिंग एन एडवर्टीजमेंट, तो उसके लिए भी आप लोग को जानकारी दे दो, वीडियो हैज़ पेड प्रमोशन, वो यूट्यूब वाला है, ये उसके अलावा आया है एडिशनल। तो चलिए गाइज, आज के लिए ये अपडेट भी था और ये मेरा वीडियो भी था। मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए लगे रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड बाय बाय, कट।